News 18, India. यूसीसी क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता का मतलब क्या है, ये हम आपको बताते हैं, क्योंकि उत्तराखंड पहला राज्य बनने वाला है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने जा रहा है। अब ये देखिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इसमें हर किसी के लिए समान कानून है, यानी कि किसी भी धर्म का हो सबके लिए सिर्फ एक कानून, आपराधिक कानून की तर्ज पर समानता इसमें मिलेगी, लिव इन रिलेशनशिप के लिए डिक्लेरेशन जरूरी होगा, लड़का लड़की अगर लिविंग में रहते हैं तो पहले बताना होगा, एडॉप्शन सभी के लिए मान्य होगा, मुस्लिम महिलाओं को गोद देने का अधिकार मिलेगा, क्योंकि हर धर्म के को लेकर के नियम अलग है लेकिन अब सभी धर्मों के लिए एक ही नियम होगा। और उत्तराखंड यूसीसी ड्राफ्ट में क्या है ये भी हम आपको बता रहे हैं कि शादी, तलाक, मेंटेनेंस या उत्तराधिकार के लिए एक कानून, अब ये पर्सनल लॉ की जगह लेगा। अब ये जो ड्राफ्ट है जिसको आज पेश होना है उत्तराखंड की विधानसभा में, सुबह 11 बजे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पेश करेंगे, उसके बाद इस पर चर्चा होनी है। सुनील, आप अहम जानकारी दे रहे थे कि ये आज 11 बजे पेश होगा, उसके बाद चर्चा होगी, आज ही कोशिश रहेगी इसको पास करवा लिया जाएगा, नंबर्स हैं तो दिक्कत नहीं होगी पास करवाने में, लेकिन ड्राफ्ट में क्या क्या अहम बातें हैं जिस पर आपत्ति हो सकती है, क्योंकि विपक्ष पहले ही सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को बहुत बारीकी से अध्ययन के बाद बनाया गया है। इसमें 5 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और जो विपक्ष का रुख भी यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, विपक्ष लगातार इस बात को कह रहा है, सीधे तौर पर इसका विरोध विपक्ष भी नहीं कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि हम पहले ड्राफ्ट देखेंगे, उसको समझेंगे, उसके बाद कोई प्रतिक्रिया देंगे, कोई रिएक्शन देंगे, यानी कि विपक्ष भी बेहद फूंक फूंक के कदम रख रहा है। 2024 का चुनाव नज़दीक है उत्तराखंड में, जिस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर जो महिला वोटर्स की संख्या है, जिस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड में वुमेन एम्पावरमेंट की बात कही गई है, जो बातें छनकर आ रही हैं, और उत्तराखंड में जो वोटर्स की संख्या है वो करीब 50-50 है, आधी आबादी के जो वोटर्स हैं वो 50-50 की संख्या में यहाँ पर है। और उत्तराखंड में जब भी वोटिंग होती है, आप रेशियो उठाकर देख लीजिए लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनावों का, महिला वोटर्स सबसे ज्यादा मतदान करते हैं पुरुषों की अपेक्षा। 2022 में जब विधानसभा चुनाव यहाँ पर हुए थे तो बीजेपी का आज भी ये दावा है कि सबसे ज्यादा महिला वोटर्स ने उनको वोट किया, और इसी के कारण उत्तराखंड में पहली बार इतिहास बना कि कोई सरकार रिपीट कर गई। 2022 में बीजेपी ने रिपीट की तो वुमन एम्पावरमेंट का महिला वोटर्स को लुभाने का एक बड़ा कारण है, और ये भी बड़ा कारण है कि विपक्ष इसका खुलकर विरोध नहीं कर पा रहा है। जिस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड में बात कही गई है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना उत्तराखंड में, अब इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा, और यदि आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते तो इसमें कड़े प्रावधान भी किए गए हैं कि आपको 6 महीने की सजा हो सकती है या फिर 25,000 रुपये तक का आर्थिक दंड आप पर लगाया जा सकता है। इसके साथ ही 18 से 21 साल के जो जोड़े होंगे उनको अपने माता पिता की अनुमति भी इसमें लेनी होगी। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे लेकिन इसके लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता होगी। बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो महिलाओं को उनके मौलिक अधिकार दिलाते हैं, उनको और सशक्त बनाते हैं, तो यही एक बड़ा कारण है कि विपक्ष भी खुलकर इस पर कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है। वो इंतजार कर रहा है कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल विधानसभा में टेबल होगा उसके बाद विपक्ष कोई रिएक्शन इस पर दे पाएगा। बिल्कुल, कई तरह के प्रावधान है, कड़े प्रावधान है, और वो प्रावधान है जो सबके ऊपर एक समान लागू रहने वाले हैं। देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से महिलाओं और पुरुषों दोनों को बराबर का हक मिलेगा। अभी महिलाओं को जरा कम हक मिलता है, खासतौर पर मुस्लिम महिलाओं के हालात में सुधार आएगा। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद मुस्लिम समुदाय में महिलाओं पर लागू होने वाली हलाला और इद्दत दोनों प्रथा पर रोक लग सकेगी। उत्तराखंड की करीब 14% आबादी मुस्लिम समुदाय की है, और ऐसे में ये जो 14% इसमें मुस्लिम महिलाएं हैं उन्हें फायदा पहुंचने वाला है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुस्लिम महिलाओं को अपने माता पिता की जमीन जायदाद में भी हक मिल पाएगा, जो अभी तक नहीं मिल पाता है, मात्र पुरुषों को मिलता है। उन्हें बच्चा गोद लेने का अधिकार भी मिल सकेगा, जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो उन्हें नहीं देता है।